नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 के बारे में, कैसे चाइना ने उसे डेवलप किया और किस तरह रशियन वेपन सिस्टम से भी उसने टेक्नोलॉजी चुराई, इसी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों चाइना लगातार अपने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करता जा रहा है चाइना मेड इक्विपमेंट से, और इसका सबसे ताजा उदाहरण है HQ-9B सिस्टम। इसकी 5 बैटरी लगाई जा चुकी है और अभी HQ-9C भी अपनी डेवलपमेंट में है और इसकी भी कंप्लीशन होने वाली है। और दोस्तों चाइना बहुत सी HQ-9 बैटरी को HQ-9B के अंदर अपग्रेड कर रहा है। इसके अंदर कई तरह के फायर कंट्रोल इक्विपमेंट भी रिप्लेस किए जा रहे हैं और चाइना ने इसके अलावा दोस्तों ट्रैकिंग रडार सिस्टम और सर्विलियंस रडार सिस्टम भी विकसित किया है HQ-9 के साथ में। और चाइना का ये मानना है कि उसके सुपीरियर कंप्यूटर हैं और साथ ही उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी बहुत ज्यादा सुपीरियर है अगर वह कंपेयर करे रशियन S-300 सिस्टम को। यानी चाइना के कहने का मतलब ये है कि S-300 सिस्टम से बहुत बाद में उसने HQ-9 विकसित किया था और वह अब भी उससे एडवांस है। और दोस्तों इसका अपग्रेडेशन सन 2000 से किया जा रहा है, जब ये प्रूव हो गया कि यह रशियन S-300 सिस्टम और अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम के इक्विवेलेंट है। दोस्तों HQ-9 को बनाने की शुरुआत चाइना ने 1980 में की थी, जब S-300 सर्विस में एंटर कर रहा था। चाइना बहुत पहले से ही S-300 सिस्टम को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन उसे मना करता था। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और उस समय रशिया को पैसों की जरूरत थी, तो रशिया ने ये चाइना को दिया और इवन चाइना ने इसका लाइसेंस प्रोडक्शन भी किया। और लाइसेंस प्रोडक्शन करने के दौरान इसने उसके टेक्निकल नो हाउ भी जाने और साथ ही इसे कैसे बनाया जाता है वो सारे स्किल विकसित किए और बाद में HQ-9 सिस्टम बनाया जो 1997 से सर्विस में है। और अब दोस्तों चाइना के पास बहुत ही कम ऐसे सिस्टम है जो रशियन मेड है, जैसे S-300 या S-400। और इसके अलावा उसके पास टोटल 10% ही रशियन वेपन रह गए हैं, बाकी सारे उसने खुद के डेवलप कर लिए हैं। और दोस्तों इसका रडार सिस्टम जो है वो S-300 सिस्टम के जैसा ही है। इसकी मिसाइल जो है वो अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल से मिलती है। और दोस्तों HQ-9 मिसाइल जो जिसकी पहली थी, उसकी मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर तक थी, जिसका वजन 1.3 टन था और इसके अंदर एक पैसिव सीकर लगा हुआ था, जबकि पैट्रियट मिसाइल का वजन 1 टन था और इसकी रेंज 70 किलोमीटर थी। और जो इसका एंटी मिसाइल सिस्टम वाली मिसाइल थी जिसकी रेंज 20 किलोमीटर थी, उसका वजन 1 टन से भी तीसरा हिस्सा था। और जबकि S-300 की मिसाइल का वजन 1.8 टन था और उसकी रेंज 200 किलोमीटर थी। और इसी का एक्सपोर्ट वर्जन FD-2000, इसके अंदर से बहुत सी अमेरिकन और रशियन सिस्टम को हटा लिया गया था, जिससे इसकी कैपेबिलिटी कम हो गई, लेकिन इससे रशिया लॉसूट के दायरे के अंदर नहीं आता, यानी कोई उस पर कानूनी कार्रवाई अमेरिका या रशिया नहीं कर सकता था। और अभी HQ-9 बैटरीज के अंदर जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है और इनके अंदर बहुत से रडार भी अवेलेबल है और ये रशियन से सुपीरियर है। दोस्तों HQ-9 की जो यूनिट है वो मूवेबल है। इसका सर्च रडार जो कि टाइप 120 है, कहीं भी ले जाया जा सकता है एक हैवी ट्रक के अंदर। 15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है और शटडाउन भी हो जाता है, उसके बाद दोबारा से 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। और दोस्तों इसकी मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज 300 किलोमीटर है। चाइना इसे अपने एक्सपोर्ट कस्टमर को भी देने जा रहा है। हालांकि दोस्तों चाहे रशियन हो या चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम हो, इनका वार के अंदर अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है और कोई भी इक्विपमेंट बेचने के लिए ऐसा बहुत जरूरी है। सबसे पहले रशिया ने SA-6 मिसाइल सिस्टम इजिप्ट को दिया था 1973 में, और उस समय जब इजिप्ट का इसराइल के साथ में वार हुआ तो सबसे पहले तो इसने चौंका दिया इसराइली एयरफोर्स को, लेकिन बाद में इसका मुकाबला कर लिया गया और इसका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया गया। तो ऐसे में दोस्तों ये तो समय बताएगा कि चाइना का सिस्टम कितना ज्यादा अपग्रेडेड है। हालांकि रशिया का S-400 सिस्टम कहा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और चाइना दोस्तों क्रिटिसाइज करता रहा है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को, हालांकि उसके खुद के सिस्टम जिसका एक्सपोर्ट वर्जन FD-2000 है, उसके अंदर तुर्की, इजिप्ट और इराक ने इंटरेस्ट दिखाया लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। 2016 के अंदर इराक ने इसे $2.5 बिलियन में तब खरीदने का फैसला किया जब उसको क्रेडिट की सुविधा दी गई, यानी पेमेंट वह बहुत ज्यादा बाद में भी कर सकता था। लेकिन दोस्तों इससे पहले 2015 के अंदर इराक ने CH-4 UAV खरीदी थी
चाइना से, और इससे पहले और भी वेपन सिस्टम खरीदे थे, लेकिन इसके बारे में जब उसने यह खरीदना था तो अमेरिका सऊदी अरेबिया ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन दोस्तों इससे उसके पैसे ही बचे, क्योंकि CH-4 UAV जो कही जाती थी अमेरिकन प्रीडेक्टर के इक्विलेंट है, बहुत ज्यादा फेल हुई, बिल्कुल भी काम की नहीं निकली, ऐसा उन कस्टमर्स का कहना है जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया। तो ऐसे में दोस्तों चाइना कितना भी दावा करता रहे, लेकिन FD-2000 सिस्टम कभी भी रशियन और अमेरिकन सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकता। और दोस्तों इसमें हम कहें कि भारत के लिए क्या सीख है, तो वो ये है कि भारत भी S-300 सिस्टम को इंडिया में बना सकता था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने ये इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। हालांकि हम SU-30 बना रहे हैं, और इंडिया की नीति ये रही है कि वह रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करता किसी भी चीज की, और अपनी खुद की चीजें ही डेवलप करता है जो कि लंबे समय के लिए चलती है, और खुद की टेक्नोलॉजी को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ ना कुछ एफर्ट इंडिया को दिखाने चाहिए थे, और अभी इंडिया ऐसा कर भी रहा है और आगे जाके इसमें कामयाब भी होगा। धन्यवाद। जय हिंद।